बंगेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मंडल सेरा के चुपलाड़ी निवासी एक व्यक्ति ने घर के पास ही पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रभारी कोतवाल संजय ब्रजवाल ने बताया कि मंडल सेरा के चुपलाड़ी निवासी 50 वर्षीय शंकर गिरी पुत्र गंगा गिरी ने घर के पास ही आम के पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन परिजनों ने बताया कि मृतक शंकर गिरी बीते कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक मंडल सेरा में ही अपनी दुकान चलाते थे। इस पूरे मामले की बागेश्वर पुलिस जाँच कर रही है। हाँ, प्रातः जो है आज प्रातः 112 की जो उसमें कर्मी है देवेंद्र सिंह, उसके द्वारा बताया गया कि उपराड़ी में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगा ली गई है। उक्त सूचना पर मैं SSI मई फोर्स के मौके पर गया तो मौके पे शंकर गिरी पुत्र गंगा गिरी ये उपराड़ी का ही निवासी है और वहीं पे छोटा मोटा ढाबा ये चलाता था चाय पानी वाला। तो इनने जो है घर से अपनी घर से लगभग 150 मीटर दूर जो है आम के वृक्ष पर जो है रस्सी के सहारे फांसी लगा ली थी। नहीं, मौके पर जो है उनके घर में भी जहां वो रह रहे थे वहां पर भी गए, वहां तलाश किया तो ऐसा कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला और कोई ऐसे मौके पे कोई ऐसी वजह भी नहीं बताई गई है। बाकी इसकी जांच जारी है अभी। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।